सर उनको झेला और बाद में खासागोटी में सही पर एक विश्वविद्यालय शुरू कर दिया। हर वहाँ कोर्सेज चल रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के भी ग्रेजुएशन के भी। तो एक इन्होंने इनका कमिटमेंट था इसलिए संभव हुआ, वरना तो संभव ही नहीं होता। इसलिए आज पीएचडी तक के कोर्स चल रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। इस रूप में मैं समझता हूँ कि हम यहाँ तक पहुँच गए हैं और अब तो जो विश्वविद्यालय की नींव रखी जा रही है आप सोच सकते हो कि आने वाले वक्त के अंदर सरकार साधनों की कमी नहीं रखेगी। अभी करीब 328 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 328 करोड़ का, और पहले फेज में हम लोगों ने 115 करोड़ मंजूर किए हैं जो काम शुरू हो जाएगा। 56 करोड़ तो खाली बिल्डिंग बनने का ही काम है। इस प्रकार से पहले फेज और दूसरे फेज, पहला फेज शुरू होते ही ये विश्वविद्यालय खासागोटी शिफ्ट हो जाएगा। 18 महीने का टाइम दिया गया है, 18 महीने में काम पूरा हो जाएगा पहले फेज का। तो मैं समझता हूँ कि ये भी अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। आप देखते हो कि आज देश में किस प्रकार से मीडिया व्यवहार कर रहा है, हमें दुख होता है क्योंकि मीडिया दबाव में है, सरकार के दबाव में मीडिया चल रहा है अभी देश भर के अंदर। लोकतंत्र में आलोचना असहमति को स्वागत होना चाहिए सत्ता पक्ष को, उससे कई फीडबैक मिलता है उन लोगों को सुधार करने के अंदर। अगर आपका कमिटमेंट जनता के साथ में है तो आप चाहे कोई आलोचना करे आपकी, आपसे असहमत भी हो तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए, पर वो स्थिति अभी नहीं है। अभी तो हिंसा का माहौल भी है, तनाव का माहौल भी है, अशांति का माहौल भी है। राजनीति आप देख रहे हो चुनाव के अंदर भी किस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, बहुत ही चिंता वाली बात है, ये देश के लिए चिंता वाली बात है। और उस माहौल में हम लोग चाहते हैं कि कैसे वापस माहौल ठीक हो देश के अंदर। इसमें पत्रकारिता की भूमिका बहुत बड़ी होती है और भूमिका रही जब मुझे जब आज़ादी की जंग में रही हो और बहुत बड़ी भूमिका अदा की हो तो अब तो और ज़्यादा हमारी बढ़ जाती, देश एक रहे, अखंड रहे, मजबूत बने। और सरकार चाहे किसी पार्टी को हो उनको आईना दिखाते रहे। आईने का मतलब आप सच्चाई अगर उजागर करोगे तथ्यों के साथ में तो एक आईने की तरह सत्ता पक्ष के लोगों को मालूम पड़े, उसमें वो सुधार करे, ये ध्येय होना चाहिए। पर आज अगर मीडिया खुद ही दबाव के अंदर है, मीडिया के मालिक जो हैं वो दबाव में हैं, इनकम टैक्स ईडी सीबीआई के छापे पड़ सकते हैं किसी के यहाँ भी, और पढ़ा भी है तो आप सोच सकते हो कि किस रूप में वो बिहेव करेगा। तो दबाव में मीडिया बिहेव कर रहा। आज विपक्ष को जो है सरकार से सरकार के विरोध प्रकट करने के लिए आप देखते हो कि सरकार ने आगे कर रखा मीडिया को, खुद तो पीछे हो गई सरकार, आगे कर रखा उन्होंने मीडिया को। डिस्कशन होते हैं उसके अंदर आप देखते हैं जो लोग बैठते हैं, लोग कौन बैठते हैं, वो लोग किस प्रकार वो डिस्कशन होते हैं आप समझ सकते हो। इतनी बातें करें इतनी कम है। और मैं समझता हूँ कि हमें सबको हाईटेक के ज़माना मैंने कहा आपको, तो उसी रूप में हमें तैयारी करनी पड़ेगी। हम चाहते हैं कि हमारे विश्वविद्यालय की शुरुआत भी जिस रूप में हो रही है उसको हम लोग चाहेंगे कि और ज़्यादा आगे बढ़े। देवीकल्ला एक गांव है छोटा सा जहाँ मुझे मुख्यमंत्री बनने के पहले जाने का मौका मिला और मैं तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी को लेकर वहाँ गए थे इसी गाँव में, और स्वयं जी गाँव के अंदर विश्वविद्यालय खुल रहा है तो मेरे लिए तो और खुशी की बात है। गाँव वालों से हमारी नेता सोनिया गांधी रूबरू हुई थी। हम लोग दो गांव थे, देवीकल्ला था एक गांव और था, मैं नाम भूल गया। तो मुझे खुशी है कि उसी गांव में ये विश्वविद्यालय बनने जा रहा है। अभी तो बच्चे 200 छात्र हैं इसके अंदर, पर मैं विशेष साहब से कहूँगा कि जल्दी 2000 छात्र एडमिट हो। विश्वविद्यालय का मतलब भी पूरी तरह हजार 500 डेढ़ हजार बच्चे आए और फुल फ्लेज विश्वविद्यालय बने,
जैसे मैंने कहा कि आपको साधनों की कमी नहीं आने दी जाएगी, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। प्रथम चरण में कहते प्रशासनिक भवन, कुलपति कार्यालय, लाइब्रेरी, रिकॉर्ड रूम, बोर्ड रूम, एग्जीबिशन गैलरी, एकेडमिक कॉम्प्लेक्स प्रथम और द्वितीय एकेडमिक डिपार्टमेंट, 4 ब्लॉक, स्टाफ फैसिलिटीज और स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर बन रहे हैं। अभी जो बताया गया आर्किटेक्ट को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा, क्या नाम उनका, मिस्टर विजय कुलकर्णी, बहुत शानदार उन्होंने बनाया है, इसका डिजाइन अच्छा बनाया है, उसके लिए बधाई के पात्र हैं। और RSRDC के MD और जो भी चेयरमैन हैं उनको मैं कहना चाहूँगा, इसको टाइम बाउंड बनाया, टाइम बाउंड को पूरा करें, 18 महीने का मतलब 16 महीने में कर दे, तब मालूम पड़ेगा हाँ मतलब ये मंत्री जी बैठे हुए हमारे चेयरमैन बन गए आजकल मेरे के लिए ही। मंत्री जी आपकी जिम्मेदारी है कि 2-3 महीने कम करो इसमें, 18 की बजाय 15 महीने में करो, तो मालूम पड़ेगा मंत्री जी खुद ही अनुभव रखते इस विभाग का। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर, काम आएगा विभाग का आपका अनुभव। बाकी जो MOU किए हैं, जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी से किया है, राजस्थान यूनिवर्सिटी से किया है, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर, संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर और पुलिस यूनिवर्सिटी से, ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। हम कहते पत्र कहते चौथा स्तंभ है, चौथा स्तंभ की रक्षा करने का समय आ गया, अभी वो संकट में है, संकट में है। पब्लिक ओपिनियन हम बना करके जो हमारा काम है पब्लिक में किस प्रकार से मैसेज दें जिससे कि मीडिया की हौसला अफजाई हो, हिम्मत दिखाए, डरे नहीं, घबराए नहीं। अभी डरावा है मीडिया देश के अंदर, चाहे वो माने या नहीं माने, बहुत डरावा है। एक तरफा चला हुआ रवीश कुमार टाइप बहुत कम लोग हैं जो भूमिका अदा कर रहे हैं। रवीश कुमार भी है, वो हमारा वो आप पार्टी वाला क्या नाम उनका, आशुतोष है, मेरी अजीत अंजुम है। कुछ लोग रहे हैं जो मतलब हिम्मत दिखा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि योगेंद्र यादव तो पत्रकार थोड़ी है, वो तो एक्टिविस्ट है, पर बहुत अच्छा लिखते वो भी। पर बाकी तो बातें करी थी कम है, अभी इस मौके पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि बहुत खुशी की बात है, मैं तो बहुत आज बहुत प्रसन्न हूँ कि मेरा सपना जो था वो आगे बढ़ रहा है। यही बात कहता हूँ मैं, आप सभी का बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ, आप सबने भागीदारी निभाई। जैसे मैंने कहा ओम थानवी जी, अभी से आप लिस्ट बनाने लगो, राजस्थान भर के जो कुछ वर्ग के लोग हैं, पत्रकारिता में पत्रकार रहे हुए हैं, मतलब जो भी हैं जिसकी भूमिका रही है समाज के अंदर, हम सबको हम बुलाएंगे एक बार और एक प्रकार से एक प्रोग्राम करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत आभार ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर का। वाकई जब हालात बदलने की दरकार हो तो ये तामीर का सफरनामा। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।